एक और वाक्य याद आ गया, मैया फारकीन शाम का शहर था और उसका किला था पहाड़ पर। एक साल सहाबा उसका मुहासरा करके पड़े रहे, खालिद बिन वलीद जैसे फतह नहीं हो सके। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने ऐलान फरमाया कि सारा लश्कर रोजे रखो कि अल्लाह इसको हमें फतह करवा दे। पहले दिन रोजा रखा गया, खालिद बिन वलीद इफ्तारी के लिए खेमे में आए तो इफ्तारी कोई नहीं थी, तो उनको ख्याल आया गुलाम मेरा बीमार होगा, उन्होंने पानी पी के रोजा इफ्तार कर लिया। अगले दिन फिर उनको ख्याल आया, अगले दिन आए तो फिर इफ्तारी कोई नहीं, फिर उनको ख्याल आया कि गुलाम बीमार होगा, पानी पी के इफ्तारी कर ली। तीसरे दिन फिर इफ्तारी कोई नहीं तो उसको बुला लिया, कहा भाई खैरियत है आप बीमार हैं? कहा जी नहीं। कहा मेरी इफ्तारी नहीं मिलती मुझे? कहा जी मैं तो रोज रखता हूं। किधर? कहा जी खैमे में। कहाँ चली जाती? कहा जी मुझे क्या खबर, मैं तो रख के चला जाता हूँ। कहा अच्छा आज पहरा देंगे। तो जब उसने लाके इफ्तारी रखी और ये एक तरफ छुप के बैठ गए तो एक कुत्ता आया और खेमे के पीछे से वो घुसा और वो जो रोटी पड़ी थी उसको मुंह में डाला और भाग पड़ा। खालिद बिन वलीद फरमाने लगे ये कुछ इसके पीछे राज है, उन्होंने कुत्ते के पीछे दौड़ लगा दी। अब कुत्ता आगे आगे, खालिद वलीद पीछे पीछे, तो वो कुत्ता एक नदी सी थोड़े थोड़े पानी वाली नदी में घुसा, वो भी घुसे। आगे एक छोटा सा सुराख था उसमें घुस गया। खालिद बिन वलीद लंबा कद और पतले जिस्म के थे, देखने में लगते थे जैसे कोई मुक्के दी मारे लेकिन उन्होंने पहाड़ों को रास्ते से हटा दिया, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार। जैद बिन, आपने मूता का लश्कर भेजा तो आपने कहा तुम्हारे अमीर हैं जैद बिन हारिसा, ये शहीद हो जाएं तो फिर जाफर हैं आपके चचाजाद, ये शहीद हो जाएं तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये शहीद हो जाएं तो फिर जिसको चाहो अमीर बना लेना। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की पहली जंग थी ये मूता, इस्लाम लाए और ये जंग पेश आ गई, सुलह हुदैबिया के बाद की बात है। तो ये मूता उर्दन में है, मैं वहां दो दफा गया हूं। जैद इब्ने हारसा शहीद हो गए तो जाफर तैयार क्यों कहते हैं उनको, उनको झंडा पकड़ा तो उन्होंने हाथ काट दिया, तो उन्हें दूसरे हाथ में ले लिया, उन्हें वो हाथ काट दिया तो कटे हाथों से झंडे को यूं चिमटा लिया, उन्हें पीछे से काट दिया तो झंडा गिर गया। तो अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और फरमा रहे थे जैद आगे बढ़ रहा है और किताल कर रहा है और वो कत्ल हुआ और वो गया जन्नत में। फिर आपने फरमाया अब झंडा जाफर ने उठाया है और वो आगे बढ़ा है, उसके दोनों हाथ कटे और वो गिरा और वो गया जन्नत में, और उसके दोनों हाथों के बदले में अल्लाह ने जाफर को दो पर दे दिए हैं जिससे वो जन्नत में उड़ता फिरता है। इसलिए उनको कहते हैं जाफर तैयार। ये अल्लाह के नबी की खुशखबरी थी कि जाफर को अल्लाह ने दो पर दिए जिससे वो जन्नत में उड़ता फिरता है। फिर आपने कहा अब झंडा उठाया अब्दुल्ला बिन रवाहा ने, वो आगे बढ़ा, कताल किया, कत्ल हुआ और थोड़े लम्हे के बाद फरमाया वो गया जन्नत में, झंडा गिर गया, अब कोई उठाने की हिम्मत नहीं रखता। तो साबित बिन अकरम एक अंसारी साहबी हैं, उन्होंने झंडा उठाया, कभी झंडा पकड़ो, हाथ से निकल रही है जंग। तो लोगों ने कहा तू ही पकड़ ले, तू बदरी आदमी। साबित बिन अकरम बदरी साहब, कहा भाई मेरे बस का नहीं है, किसी और को पकड़ाओ। तो सफरा तफरी में किसके मुंह से निकला खालिद को पकड़ाओ, वो नहीं पता चला, शोर शराबा था। तो किसी ने कहा खालिद को पकड़ाओ, ये कहना था कि सबने कहा खालिद को दो। अब अल्लाह का नबी खामोशी से ऊपर देख रहे हैं, ऐसे सामने सन्नाटा है और उधर ये हो रहा है। तो आखिर सबने कहा खालिद तू झंडा उठा, वो कहने लगे मैं तो नया मुसलमान हूं और मेरी पहली जंग है, बाबा किसी पुराने आदमी को दो। तो सब कहें तू ही ले। तो खालिद ने एक हाथ में झंडा पकड़ के दूसरे हाथ से जब यूं तलवार लहराई ना, तो मेरे नबी ने फरमाया अब अल्लाह ने अपनी तलवारों में से एक तलवार को निकाल लिया है, सैफुल्लाह। उस दिन आपके हाथ से 9 तलवारें टूटी लड़ते लड़ते, फिर अल्लाह ने
इनके हाथों फतह नसीब फरमाई। 3,000 के लश्कर ने 1,00,000 पे गलबा पाया। पानी पढ़ो, तो वो उस सुराख में घुस गए थे पतले, तो चलते रहे चलते रहे, से रींगते 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 वो सुराख किले के अंदर जाके खुला। अल्लाह ने रोजे की बरकत से एक कुत्ते के जरिए से रास्ता दिखा दिया। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, भाई 100 आदमी तैयार हो जाओ पतले पतले, आज रात फतह है इंशाल्लाह। तो उनको लेके घुसे, सिर्फ 88 अंदर जा सके, 12 जरा थोड़े से हैवी थे वो नहीं घुस सके। तो 88 आदमियों को लेकर वो उस सुराख में से रींगते हुए किले में दाखिल हुए और जाके हमला किया, और अल्लाह ने दरवाजा खोल दिया, अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई। तो रोजा और नमाज दुनिया और आखरत के काम बनाने का वसीला और जरिया है, अगर हम इसको यकीन के साथ करें। जब मुश्किल पेश आए अपना ज़ाहरी सबब भी इख्तियार करो और नमाज भी पढ़ो।